हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और अभी बजे सुबह 8:30 और मेरा डेली रूटीन हो गया है। मैं हो गई एकदम फ्रेश और अश्विन और बाला भाई दोनों सो रहे हैं। बापू जी गए हैं मंदिर पे और बा अभी माला कर रहे हैं। तो सबका रूटीन अभी चल रहा है और सनराइज बहुत ही अच्छा है। परसों जब बादल थे ना, तो हमारा मूड अच्छा होते हुए भी अगर मौसम ऐसा हो जाता है जो कंटिन्यू चल रहा है उससे थोड़ा विपरीत हो जाता है, तो फिर हमारा माइंड भी थोड़ा विपरीत हो जाता है। मूड अच्छा होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि आज मूड ही नहीं है, तो ऐसा होता है। तो बस अभी तो आज तो बहुत ही अच्छा सनराइज़ हुआ है, 2 दिन से तो अच्छा है। एक ही दिन वो बादल वगैरह थे। और कल तो सूरत में भी मम्मी का फ़ोन आया था, बोल रहे थे सूरत में भी बारिश की छींटे गिरी थी और वहाँ पर भी। परसों हमारे यहाँ जूनागढ़ में जैसा मौसम था वैसा कल सूरत में था। तो अभी तो पता नहीं, सब बोल रहे कि 4 दिन की आगाही है, तो देखते हैं। अभी तो पता नहीं, भगवान भी छुट्टी पे 4 दिन चले गए होंगे इसलिए ऐसा मौसम बिगड़ गया है। तो अभी बस हमारा रूटीन अभी चल रहा है और अभी मैं बनाऊँगी चाय और उसके बाद ऊपर से तो झाड़ू पोछा करना है और कपड़े भी धोने हैं। लेकिन यहाँ पर पानी का ये प्रॉब्लम देखिए आप, ये पानी इसमें भरा रहता है। और हमारे जो यहाँ के मकान मालिक है वो भी अहमदाबाद वैसे तो रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जूनागढ़ 2 दिन शादी में आए हैं, तो अभी वो आने वाले हैं 1-2 दिन में। और फिर ये गटर का जो भी प्रॉब्लम है, वो पाइपलाइन ज्वाइंट करना है गटर में, वो सब अभी वो करेंगे। तो तब तक तो ये झेलना ही पड़ेगा। तो बस। और हाँ, आज दोपहर का मेन्यू बहुत ही खास है। कल रात को यशवंत ने मुझे फ़ोन करके बोल दिया था कि हमें ये बनाना है, तो हम वो मेन्यू आज बनाएंगे, तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेन्यू में है इडली और सांभर। तो ये इडली का बैटर बना के हमने रेडी कर दिया है। कल रात को मैंने चावल और उड़द की दाल भिगो के रख दिया था, अभी उसको पीस लिया है। और ये हम सांभर की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें तुअर दाल, लौकी और सरगवा, ये हम तीनों अभी उबालने के लिए रख देंगे। और ये सांभर का मसाला हमने रेडी कर दिया है। इसमें साबुत धनिया, शिंगदाना, फिर ये लाल मिर्च और चने की दाल, ये सब मिक्स करके और तिल सब मिक्स करके अभी उसको रोस्ट कर लिया है। और बस अभी उसका सांभर बनाएंगे हम। वैसे एक रेसिपी तो हमने हमारी चैनल पे ही, पहले रेसिपी के वीडियो आते थे उसमें ये पूरी रेसिपी हमने दी है, तो अगर आपको डिटेल में जाननी है तो वहां जाके भी आप देख सकते हो। और आज हम वापस से बना रहे हैं इडली सांभर। तो थोड़ा थोड़ा रेसिपी हम बताते जाएंगे, लेकिन डिटेल में वहां पर आपको देखनी पड़ेगी। तो बस अभी कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारी इडली, इंस्टेंट इडली हो गई है रेडी, बिना आथे वाली। ये एकदम स्पॉन्जी बनी है, इसको हमने आथा नहीं डाला था, सुबह में ही पीसा था, मतलब सुबह नहीं, दोपहर को 11 बजे पीसा था, फिर भी ये बहुत ही अच्छी इडली बन गई है। और यहाँ पर हमारा सांभर भी रेडी हो गया है, तो अभी हम खाना खाने बैठ जाते हैं। आज हमारे साथ दोपहर के लंच में है रजनीक भाई, और पौने 1 बज गए तो अश्विन बाला भाई को फोन कर रहे हैं, और रजनीक भाई हमारा साथ देंगे आज दोपहर को। तो आज हम रजनीक भाई से पूछेंगे कि इडली सांभर कैसा बना है। बढ़िया, मस्त है। कैसा बना है आप लोग? मैं तो बनाता हूँ, अच्छा ही बना रहा हूँ, भगवान की दया से। बाला भाई क्यों बहनो? सुभाष भाई कैसा लगा आपको? सबको अच्छा लगा, अब मैं भी टेस्ट करूंगी इडली। और फ्रेंड्स, मैं अभी जाग गई हूँ और अभी तो 6 बज गए वैसे तो, मेकअप की जाग गई हूँ और उसके बाद गेस्ट आ गए थे। सुबह मैंने बात की ना आपसे कि हमारा वो गटर लाइन का कुछ प्रॉब्लम है, तो मकान वाले के पापा आ गए थे और उसकी मम्मी, हाँ वो दोनों आए थे। तो फिर बस सब देखा है और कल वो रिपेयरिंग काम जो भी होगा वो सब कर देंगे। तो बस अभी अश्विन गए दुकान पे, बाबा बुझ गए किसी रिलेटिव्स के घर पे बैठने के लिए, और बाला भाई भी दुकान पे है, तो मैं घर पे अकेली हूँ। तो मैंने सोचा एक बहुत ही अच्छा मैसेज मुझे याद आया था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो क्या था ना कि कल रात को हमने कढ़ी खिचड़ी बनाई थी, तो खिचड़ी पड़ी थी, तो सुबह में
मुझे उसको टमाटर फिर मिर्च को काट के सब उसमें डाल के फिर उसको घर में खिचड़ी बनाना था। लेकिन नाश्ता तो फिर बहुत ही लेट हुआ हमारा 11 बजे तक, तो हमने खा रही टोस्ट वो सब खा लिए, फिर खिचड़ी मैंने नहीं वगैरह। तो उससे मुझे याद आया कि हम बासी जो रोटी होते नहीं वो होती है ना वो नहीं खाते हैं, क्योंकि सब ऐसा बोलते हैं कि बासी रोटी खाने से उसमें फूंक लग जाती है तो वो नहीं खाते, अनहेल्दी है हमारी सेहत के लिए, अनहाइजेनिक होती है, वो नहीं खा सकते। लेकिन आप अभी का जो साइंस है ना वो ऐसा बता रहा है कि ठंडी रोटी खाने से आप हेल्दी रहते हो और कोई भी बीमारी आपको नहीं लगती है। तो कोई कोई लोग तो ऐसे स्पेशल ठंडी रोटी खाते हैं, तो अभी का साइंस कुछ और ही बता रहा है और हम लोग जो है वो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो गए इसलिए बोलते हैं कि नहीं वो अनहाइजेनिक है तो नहीं खाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात कि मैंने कहीं ऐसा सुना था, कोई डायरा वगैरह जो होता है ना उसमें मैंने ऐसा सुना था कि हम जो ताली बजाते हैं ना ताली ठीक तरह से बजाते नहीं है। अभी तो क्या है कि सब अपने स्टेटस के हिसाब से, जैसे वो एवर्ड फंक्शन में आप लोगों ने देखा होगा वो एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस होते हैं वो ताली ऐसे बजाते हैं, तो इससे क्या होता है कुछ नहीं, सामने वाले का अभिवादन भी अच्छी तरह से नहीं होता है। और आप किन्नर लोग को देख लो, वो ऐसे जैसे ताली बजाते हैं ना तो उसका हाथ में पूरा ऐसे पॉइंट होता है, जैसे एक्यूपंचर भी करते हैं तो हाथ से ही पूरा पूरे बॉडी का जो पॉइंट हाथ से होता है, तो ये दोनों हाथ को ऐसे ताली बजाने से उसके पॉइंट जो है वो ऐसे ही एक्यूपंचर हो जाते, कोई भी बीमारी आपको नहीं लगती है, तो बहुत ही अच्छी चीज है ये। लेकिन अभी आजकल के बच्चे, पहले के जमाने में तो ऐसा था, हमारी जो मम्मी पापा वाली जो पीढ़ी है वो तो सब सत्संग भजन वगैरह सब होते थे तो बड़ी अच्छी तरह से ताली बजा के भजन वगैरह करते थे। लेकिन अभी बच्चे, हाँ कई कई जगह आज की पीढ़ी भी सत्संग में जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं जाती है, लेकिन अपने स्टेटस के हिसाब से कुछ तो लेवल रखना पड़ेगा ना, तो ऐसे ऐसे ताली बजाते हैं, तो उसमें कुछ नहीं। लेकिन अच्छी तरह से ऐसे ताली बजाओगे तो ये जो पॉइंट है आपके वो एक्यूपंचर ऐसे ही हो जाएगा। तो बस ये दो चीजें मुझे बहुत ही समय से दिमाग में थी तो मैंने सोचा आपके साथ आज शेयर कर दूं, तो मैंने कर दी। तो अच्छी लगे आपको तो आप दूसरों के साथ भी शेयर करिए। तो बस, तो फ्रेंड्स मैंने दोपहर के जो बर्तन थे ना वो भी 5 बजे धोए हैं, क्योंकि सुबह सब नहाए थे, फिर सुबह के बर्तन फिर कपड़े वो सब किए ना, तो बाहर पूरा पानी ऐसे भर चुका था, तो मैंने दोपहर के बर्तन रख दिए थे और जब गेस्ट गए ना उसके बाद 5 बजे मैंने धोए हैं, तो अभी उसको पोंछना है तो ये यहाँ पर पड़े हैं और उसको पोंछ के पर फिर ठीक सही तरह से रखना है और फिर शाम के डिनर की तैयारी भी करनी है। अभी 7:45 बज गए हैं और शाम के मेन्यू में आज है टिंडी की सब्जी, खिचड़ी और रोटी, तो वो भी मुझे जल्दी बनाना पड़ेगा, तो अभी मैं फटाफट बना देती हूँ। तो बस आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको कल नए वीडियो के साथ। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों को भी करवाइए। तो मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय।